हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये VW की जेटा है, 2012 का मॉडल है, पेट्रोल कार है। आज मैं आपको इसका कूलिंग की कैपेसिटी बताने वाला हूँ कि कूलिंग टेम्परेचर इसका कितना ड्रॉप कितना तक आता है और हीटिंग टेम्परेचर। तो सभी पहले जैसा कि देख पा रहे हैं, गाड़ी अभी चालू है और आउटसाइड का टेम्परेचर देख लीजिए, देख पा रहे हैं 31 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो बाहर का क्लाइमेट है यहाँ का इतना डिग्री है। तो सबसे पहले मैं गाड़ी अभी चालू पोजीशन में है और एसी चालू है, ब्लोअर दो पे रखा हूँ और कूलिंग टेम्परेचर आप देख लीजिए 5.3 पे, 3 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, और भी ड्रॉप होगा, लगभग 2-3 तक आता है इसका कूलिंग टेम्परेचर 5.1। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 5.1 पे आके अटका हुआ है अभी। तो यानी कूलिंग की कैपेसिटी मैं दिखाने वाला था, आपको दिखा दिया। और बाकी रही दूसरा, इसका कंट्रोल पैनल चलाने के लिए तो बोले तो ये हीटर का बटन दिया है, ये ब्लोअर की स्पीड है, और ये जो है मोड बटन है, यानी एयर का डिस्ट्रीब्यूशन बटन है। एयर किधर चाहिए आपको, उस हिसाब से आपको जिस जिधर चाहिए उस हिसाब से आप सेट कर सकते हैं यहाँ। और ये आउटसाइड का है, यानी रिसर्कुलेशन एयर, यानी बाहर से हवा आएगी या अंदर से हवा चाहिए आपको। यहाँ अभी ऑफ पोजीशन में रखेंगे तो बाहर से हवा अंदर आएगी, और इसको ऑन करेंगे तो अंदर की ही हवा अंदर रोटेशन करेगा। ये एसी ऑन ऑफ स्विच, ये रियर फ्रंट डिफोगर का है, नहीं सॉरी, ये रियर डिफोगर का है, फ्रंट डिफोगर का इसमें दिया है। तो बाकी सब प्रॉपर चल रहा है। तो मैं इसका हीटर हाई करता हूँ, हीटिंग टेम्परेचर आपको दिखाता हूँ। जैसा कि देख पा रहे हैं, मैं हाई पे किया, थर्मामीटर ऑफ हो गया, और हीटिंग टेम्परेचर देख पा रहे हैं बढ़ रहा है। एसी ऑन रखेंगे तो भी हीटिंग टेम्परेचर आपका आना चाहिए। यानी बहुत से भाइयों का कहना क्या है कि एसी आप ऑन किए हैं तो हीटर हाई किए हैं तो हीटिंग टेम्परेचर कैसे आएगा। एसी जब आप चालू करते हैं और हीटर चालू करते हैं तो एसी और हीटर दोनों का संबंध वहाँ से अलग हो जाता है। जब आप एसी ऑन रखते हैं, एसी ऑन रख के हीटर चालू करेंगे ना, तो एयर जो ब्लोअर सक करता है, यानी खींचता है, खींच के पहले कूलिंग कॉइल में हीटर अगर ऑफ रखते हैं तो कूलिंग कॉइल से होते हुए, बाईपास होते हुए अपने सामने आती है, और जब आप हीटर ऑन कर देते हैं तो कूलिंग कॉइल का फ्लैप बंद कर देता है, यानी एयर को कूलिंग कॉइल के पास जाने नहीं देता है, डायरेक्ट हीटर कॉइल से होते हुए अपने सामने आती है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, एसी चालू है और हीटिंग टेम्परेचर आप देख रहे हैं 57 पे आ चुका, 58 पे और भी बढ़ रहा है, यानी 70-75 तक जाएगा इसका हीटिंग टेम्परेचर। तो इसका सभी सिस्टम प्रॉपर चल रहा है, और मैंने आपको दिखाया भी कि इसका सिस्टम, एयर कंडीशन सिस्टम का कूलिंग टेम्परेचर, कूलिंग कैपेसिटी कितनी है। और हेलो दोस्तों, आप मेरे चैनल में अगर नए हो ना तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि लाइक कमेंट सब्सक्राइब करेंगे ना तभी मैं आगे अच्छी तरीके से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और ये चीज़ें जो बता रहा हूँ और दिखा रहा हूँ ना, सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप चीज़ें समझो कि कौन सा क्या पार्ट रहता है, कौन सा कब यूज़ होने का रहता है। तो चलो फिर, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर अपन।